देवी माँ की जय। देवी माँ मुझे अमर कर दो। जय हो महाराज, आपके भाग्य में अमर होना नहीं लिखा है। क्या भक्त हो? आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि केसरीवानर की पत्नी अंजनी के पुत्र के हाथों आपकी मृत्यु होगी, इसीलिए केसरीवानर पुत्रेष्ठ यज्ञ कर रहा है। सेनापति सुन। आज्ञा महाराज। जाओ यज्ञ को नष्ट कर दो। ओम अग्ने स्वाहा, 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 ओम अग्ने स्वाहा। महाराज अब पुत्रिष्ठ यज्ञ की समाप्ति के लिए अंतम आहुति दीजिए। ओम अग्ने स्वाहा। कौन है रे ये कुछ? हम यज्ञ नष्ट करने वाले तुझ, आज तुम बच नहीं पाओगे। शत्रु इस केसरी बंदर को हम पकड़ कर ले आए। बहुत अच्छा, कई दिनों से देवी भूखी है। मैं अपने पति की रक्षा के लिए क्या करूं? कुछ तो बताइए मुझे, मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? दूसरा ब्याह कर ले। चुप रहो मंजरी, एक नाचने वाली सती नारी की भावना को क्या समझे? सती नारी भगवान शंकर की आराधना करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। भगवान शंकर की आराधना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राम प्रभु पवन देव, देव कार्य के लिए आपके स्पर्श से अंजनी को पुत्र उत्पन्न करिए। जो आज्ञा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा तप भंग करने वाले कौन हो दुरात्मा? शीघ्र बोलो, नहीं तो मैं सांप दे दूंगी। नहीं देवी, मुझे सांप मत दो। मैं पवन हूँ और भगवान शंकर की आज्ञा से आपके पास आया। मेरे स्पर्श से आपको एक अत्यंत बलवान पुत्र प्राप्त होगा, जिसे लोग हनुमान के नाम से पूजेंगे। बेटा, मेरे नाम बेटा, माँ मुझे आज्ञा दो। बेटा, तेरे पिता केसरी वानर पाताल में बंदी है, मैं नहीं छुड़ा जाऊंगा। तो बेटा तुम पाताल जाओगे कैसे? माँ, तेरे आशीष तो जहाँ मेरा पांव पड़ेगा पाताल का रास्ता खुल जाएगा। प्रणाम माँ। तथास्तु। Yeah.
रानी का बेटा? चलो बाजी, महाराज आपकी मृत्यु बंदर के हाथ में की है, इसलिए आपको बंदर दिखाई दे रहा है। इससे प्राण ले लो। बंदर का बच्चा मेरे सामने आए तो देखो। बंदर को बेटी, तेरे पिताजी को एक बंदर ने मार डाला। पिताजी, उस बंदर को मार के मैं बचा दूंगी। धन्य हो भगवान, आज आपकी कृपा से बिछड़े हुए पति पत्नी का पुनर्मिलन हो गया। ए ब्राह्मण, तू किस भगवान की बड़ाई कर रहा है? ये तेरे भगवान की कृपा नहीं, मेरी शक्ति का प्रताप है। शक्ति तेरी है, परंतु शक्ति देने वाला भगवान है। कहाँ है तेरे भगवान? अगर है तो मुझे बता। भगवान सब जगह है, वो देख सबको जीवन देने वाला सूर्य भगवान। ये है तेरे भगवान? अच्छा, तो मैं उनसे भी निपट लेता हूँ। अच्छा, तो मैं उनसे भी निपट लेता हूँ। बड़ा अभिमानी बालक है। कीजिए पवन देव, और आज से वायु संचार भी बंद। सब ठीक होगा, ये महापराक्रमी बालक है, पहले इससे क्षमा मांगिए। बजरंग बली, हमें क्षमा कीजिए। हम सभी देवता आपको वरदान देते हैं, हमारे समस्त शस्त्र आपके सामने प्रभावी होंगे, और हम में से किसी के हाथ आपकी मृत्यु नहीं होगी। हम पर कृपा कीजिए और सूर्य देव को मुक्त कर दीजिए। हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे सब भगवानों को पराजित कर दिया है। मेरी शक्ति को मान, और कोई दूसरा भगवान हो तो बता दे, मैं उससे भी निपट लेता हूँ। मूर्ख, जिस शक्ति के अभिमान से तू मुझे सता रहा है, वो तेरी शक्ति नष्ट हो जाए। गुरुदेव, ये आपने क्या किया? बालक को क्षमा कर दीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। गुरुदेव, वापस ले लीजिए। ऋषि का श्राप वापस नहीं हो सकता। गुरुदेव को समझाइए, पिताजी आप कुछ कीजिए। दुष्ट, ये तेरी माता कैसे हुई और मैं तेरा पिता कैसे हुआ? ये सती के सब का प्रताप है, बिना पति के पुत्र उत्पन्न हो सकता है। बहारे सती नारी, तुम चुप रहो। गांव गांव नाचने वाली नाचनी, तुम नाच नाच कर मेरे पति को फंसाने का प्रयत्न कर रही हो, और तुम मुझे सुखी करने का प्रयत्न कर रही है। पापिनी, तूने पुरुष का कब्र किया है? नहीं स्वामी, नहीं, ये तो शंकर भगवान की कृपा का फल है। उल्टा कलंकनी पापिनी, ऐसा मत बोलिए स्वामी, ऐसा मत बोलिए। बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा। आओ लोगो, देखो इतना चाहिए, पापिनी है, कुंडा है। हे भगवान, ये सब कुछ सुनने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं जाती? मैं पत्थर की क्यों नहीं बन जाती? अवश्य इसने दुराचार किया।
जाऊंगा। इसलिए ये पत्थर की हो गई, पत्थर की हो गई। पाप से पैदा हुआ पापी, रो जीवन भर रो, तेरे आंसू इसके पाप नहीं धो सकते, कभी नहीं। ऐसा मत कहो, मेरी मैंने कोई पाप नहीं किया। कोई पाप नहीं किया, इसीलिए पत्थर की बन गई। केसरी, तुम्हारी पत्नी ने कोई पाप नहीं किया। चुप रहो, तू भी झूठे हो। गुरुदेव, मेरे और मेरी माँ के उद्धार का उपाय बताइए, मुझे मेरी शक्ति वापस दीजिए। दोनों के उद्धार का एक ही उपाय है, भगवान श्री राम के दर्शन। जब सीता की खोज में निकले हुए राम तुझे मिलेंगे, उस समय तुझे कोई याद दिलाएगा, तब तेरी शक्ति वापस आ जाएगी। ये भगवान राम कौन है? भगवान राम ही सृष्टि के सृजनहार हैं। जब वो सृष्टि के बनाने वाले हैं, तो उनकी पत्नी क्यों खो जाएगी? जब राम तुझे मिलेंगे, वही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। राम से मिलेगा, इस नीच को, इस पापी को, नहीं, कभी नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि राम को पाने के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा और तपस्या करूँगा। मैं राम को लेकर ही आऊँगा। सुन केसरी, तू इस तरह चाने को भूल जा, मेरे साथ घर बसा ले। राम, तुम कहाँ हो? राम, 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 तुम्हारी कथा मनोहरे मधुमंगलकारी है। एक डाकू कवि बन जाए, तुम्हारा चरित्र चमत्कारी है। सुनो रे लोगों, शोर नहीं करना, कथा है ये राम की, तो ध्यान पूरा धरना। सुनो रे लोगो, शोर नहीं करना, कथा है ये राम की, तो ध्यान पूरा धरना। अंधे को आंख दे, ये बहरे को कान दे, गुंगे को जुबान, जड़ मूरख को ज्ञान दे। सुनो तुम भारत की संतान, ज्ञान की सीख सिखाते हैं, राम की लीला दिखाते हैं, राम की कथा सुनाते हैं। मंगल गाओ, मैया कौशल्या मंदिर।
रोए धरती और आकाश, राजा राम चले बनवास, राजा राम चले कमल खिले रे, कांटों पर दो कमल खिले रे, रोए स्वयं विश्वास, रोए स्वयं विश्वास, रोए स्वयं विश्वास, रोए धरती और पीछे लखन सभाई, सबके पीछे लखन सभाई, बन दोनों का दास, बन दोनों का दास, रोई धरती और आकाश, राजा राम चले अभी अभी तुमने जिसकी जय जयकार बुलाई वो राम कौन है? वो अयोध्या के राजा हैं। मुझे अयोध्या वाला राम नहीं चाहिए, ऐसे तो बहुत राम है, बलराम, परशुराम, न जाने कितने ही राम। मुझे तो राम भगवान से मिलना है। अच्छा, उनसे मिलना है तो क्षीर सागर में जा। अरे भाई, ये क्षीर सागर क्या है? क्षीर सागर नहीं मालूम, समुंदर भाई, समुंदर। तू समुंदर में जा, वहीं तुझे राम मिलेंगे। यही है वो बंदर जिसने तेरे पिता को मार डाला था। मैं भी इसके बदले में इसके प्राण नहीं ले लूं तो मेरा नाम भी मकरी नहीं। देखो वो बंदर समुंदर में जा रहा है, उसका पीछा करो और उसे नष्ट कर दो। अब देखती हूँ ये बंदर कैसे बचता है। हनुमान, मैंने तेरा काल भेज दिया है। राम, तुम कहाँ हो? राम! नमस्कार, आप राम हैं? नहीं हनुमान जी, मैं तो सागर हूँ। सागर जी, मुझे क्षीर सागर का मार्ग बता दीजिए। कहते हैं कि राम वहाँ रहते हैं। भाई, राम तो अवतार लेकर पृथ्वी पर गए हैं। पृथ्वी वाले कहते हैं सागर में, सागर वाले कहते हैं पृथ्वी में। राम राम। मकरी, ये तेरा भेद क्या है? रात मकरी होती है, प्रभात होती स्त्री बन जाती है। सुनंदा, मैं स्वर्ग की श्रापित अप्सरा हूँ। जब तक मुझे हनुमान से पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, मेरा ये श्राप नहीं टूटेगा। पता नहीं तेरा हनुमान आएगा भी या नहीं। आएगा, और अवश्य आएगा। कोई नहीं आएगा, अभी तो मैं आया हूँ। काल में नहीं, फिर भी यहाँ आया। हाँ, और आज तुझे अपनी बना के ही छोड़ूंगा। आ, 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 आ,
नौकरी, अब तुम मेरी हो और जीवन भर मेरी होकर रहोगी। मेरे शत्रु हो, परंतु आज तुमने मेरी लाज बचाई है, इसीलिए तुम्हें जीवित छोड़ देती हूँ। जा। मैं तो तुम्हारी सहायता करने आया था, फिर कभी आवे छक्का पड़े तो पवन पुत्र हनुमान को याद करना। पवन पुत्र हनुमान, खैरिये क्या है? आप मेरे देवता हैं, बरसों से मैं आपकी राह देख रही थी। ये क्या, अभी धमकी दे रही, अफवाह पड़ती हो, फिर गले पड़ोगी। स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए स्त्रियों से सदा मैं दूर रहता हूँ। खैरिये मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे स्वीकार कीजिए। अरे भाई, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ और श्री राम जी को ढूंढ रहा हूँ। मैं आपको श्री राम जी से मिलाऊंगी। कब? बस यही दो तीन दिन में। फिर तो मैं यही ठहरता हूं। यहाँ नहीं आएंगे, मैं जाता हूँ। पवन पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें यही दर्शन दूंगा, यही ठहरो। राम भगवान यहाँ आएंगे। छियावल रामचंद्र की जय। आया रे आया, आया वसंत आया। अरे सुनिंदा, ये क्या चमत्कार,
राम यहाँ आएंगे? अरे राम बाम यहाँ कोई आने वाला नहीं, ये तो हनुमान को रोकने के लिए मैं बोली थी। तो इंद्र के पास जा और कोई उपाय पूछ। गुरुदेव, श्री राम का वनवास तो हो गया, परंतु देवताओं को सताने वाला रावण और उसके कुल का नाश कब होगा? गुरुदेव, मैं भी यही पूछने आई हूँ, शराब से मेरा उद्धार कब होगा? हनुमान तो ब्रह्मचारी है। दोनों की सिद्धि के लिए सीता का हरण आवश्यक है। कामदेव। आज्ञा गुरुदेव। अपना प्रभाव दिखाओ। वासना, देव कार्य के लिए मकरी की सहायता करो वासना। जो आ गया। अरे सुनंदा, हनुमान जी कहाँ हैं? वो तो चले गए। चले गए? वासना, सारा महल छान मारा, हनुमान कहीं नहीं मिले, अब मेरा क्या होगा? तुम कब तक अपनी ऐसी हालत बनाए रखोगी? तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं जो कुलता है उसको तिल तिल धड़ा के मारना चाहता हूँ। एक ही उपाय। बोलो बोलो, तुम भी कुछ बोलो। इसकी आंखों के सामने मुझसे शादी कर लो। शादी? अरे पुतला। दोनों माँ, मुझे राम भगवान कहीं नहीं मिले माँ। अब तू ही बता माँ, मैं क्या करूं? उन्हा था कुछ क्या करता हूं, तुझे अखंड ब्रह्म चर्या का पालन करूंगा, घोर तपस्या करूंगा और राम को निखिल लाऊंगा। मिल गया तुझे राम? कमी कमी क्या मुझे करूंगा? जा 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 मचा तू मर। मां, अपने कर्मों करो, तुम दोनों पापियों को राम मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। माँ, सचमुच राम कहीं नहीं है माँ। अगर राम भगवान होते माँ तो तुम क्यों रोती माँ? राम भगवान की माँ नहीं है, नहीं है राम, नहीं है माँ, कहीं नहीं है। भगवान, आपके दर्शन पाके मेरा जीवन सफल हो गया। सबरी माँ, तुम्हारे ही मीठे बेर खाकर मेरे जन्म जन्म की भूख मिट गई। इनकी तो भूख मिट गई, लेकिन माँ मुझे तो भूख लगी है। मुझे भी। लो, तुम भी लो, तुम भी लो। सबरी, अब तुम जन्म जन्म के बंधनों से मुक्त हो गई। लीजिए भैया। लक्ष्मण, सीते, तुम लोगों को मेरे कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। श्री राम की छाया में हमें कोई कष्ट नहीं। तुमने राम का नाम लिया? कौन है, कहाँ है? यही तो भगवान श्री राम है। तुम अयोध्या के राजा राम हो, तब तुम वो राम नहीं जिसे मैं हूंगा। दुनिया में केवल एक ही राम है। अच्छा, तो तुम सीता की खोज में निकले हो? मेरी खोज में क्यों निकले, मैं तो इनके साथ हूँ। ये मेरी पत्नी सीता है और ये मेरे भाई लक्ष्मण। मुझे तो वो राम चाहिए जो सीता की खोज में निकला। हाँ, ये भयानक जंगल है, संभल कर रहना। और मेरा नाम हनुमान है, अभी काम बढ़े याद कर। बाकी राम माम यहाँ कोई नहीं। स्वामी,
आप सामने हैं, फिर भी आपको ये क्यों नहीं पहचानता है? मैं क्या जानू, मैंने तो आप दोनों का परिचय भी दे दिया। आपकी माया अपार है। इसमें माया की क्या बात है सीते, उसे तो राम भगवान चाहिए, और मैं बन बन भटकने वाला साधारण मनुष्य। आप सर्वस्व है आर्य पुत्र। मानी बात आपकी, परंतु उसे तो सीता की खोज में निकला हुआ राम चाहिए। यदि आप मुझसे बिछड़ जाए और मैं आपको बन बन ढूंढू तो? ऐसा मत कहिए स्वामी, काया से छाया अलग नहीं हो सकती। मत पूछा करो, राम कहीं नहीं। राम है, अवश्य है। ए तो कहां है? आकाश, पहाड़, पानी, राम सब जगह पर है। आकाश, पहाड़, पानी, राम कहां है? बोलो बोलो, कोई तो बोलो, राम कहां है? कहीं नहीं बोलो। कैसे बोलो, राम कहीं नहीं है, कहीं। राम हनुमान के दिल से निकल चुका, अब मैं चमत्कार दिखाती हूँ। मैं राम को पाने के लिए खंड ब्रह्म तरिया का पालन करूंगा, दो तपस्या करूंगा, राम को लेकर आऊंगा। कहा गई तेरी प्रतिज्ञा? डोंकी नहीं, बाल नहीं। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। अगर मैं अपनी माँ का दुख दूर नहीं कर सकता तो तू मरूंगा, अवश्य तू मरूंगा। राम, जय सिया राम, राम राम, राम श्री राम, राम।
हे बुढ़िया, तुम राम का नाम ले रही हो? नहीं तो क्या तेरा नाम लूं? राम इस दुनिया में नहीं है। राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। तुम मेरा नाम क्यों रट रही? मैंने तुम्हें अपना नाम बताकर बड़ी भूल की। मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, तू यहाँ से चली जा। जाऊंगी, मुझे एक वचन दो। बोलो। आप मेरे साथ चलिए। आपने मुझे वचन दिया है, चलिए। अरे मैं तो राम को ढूंढ रहा हूँ। अभी अभी आपने कहा, राम तो कहीं नहीं है। श्री राम। ये क्या चमत्कार है? ये चमत्कार नहीं, मेरे भगवान है। ये पेड़ भगवान है? नहीं रे, जब मैं जवान थी इस पेड़ पे चढ़ के भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़ा करती थी। अब इस पेड़ पे मेरे से नहीं चढ़ा जाता, इसीलिए मेरे भगवान इस पेड़ को नीचे लाते हैं। इतना शक्तिशाली है वो? हाँ भाई हाँ। तूने देखा है उसको? हाँ भाई हाँ। कैसा है वो? चतुर्भुज स्वरूप, चार आंख वाला है वो भगवान। माँ, ये राम कहाँ मिलेंगे? माँ बेटा, एक बार मन से बोल, राम श्री राम, श्री राम, राम 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 राम। भगवान, मैंने भगवान को देख लिया, मैंने भगवान को देख लिया। माँ माँ, मैंने भगवान राम को देख लिया। माँ, ऐसा सुंदर स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा। माँ, उसके चार चार हाथ थे। माँ, और हर हाथ में कुछ न कुछ था। माँ, जय सिया राम। तेरा जीवन सफल हो गया बेटा, अब मेरा जीवन सफल कर दीजिए। माँ, इसका जीवन मैं कैसे सफल कर सकता हूँ? माँ माँ, तुम कौन हो बेटी? ये मेरे पीछे पड़ गई है, मुझसे शादी करना चाहती है। तो कर लो शादी, लड़की तो बहुत अच्छी है। माँ, तुम नहीं जानती मेरी माँ कितनी कष्ट में है। मेरे जन्म को लेकर मेरे पिता केसरीवानंद ने मेरी माँ पर कलंक लगाया और पत्थर की हो गई। हाय राम। जब तक श्री राम जी उसे दर्शन नहीं देंगे तब तक वो असली रूप में नहीं आएंगे। और माँ, कहो बेटा। राम को पाने के लिए मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। धन्य हो बेटा, राम तेरी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। हनुमान जी, मैं आपके और आपकी माँ के बीच नहीं आऊंगी और प्रार्थना करूंगी कि श्री राम आपकी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रणाम माँ। बेटी, तूने माँ का दुख समझा है, श्री राम तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। जिस दिन तेरे माथे की धूल सिंदूर में बदल जाएगी उस दिन समझ लेना कि हनुमान को राम मिल गए। वो दिन मेरे लिए महान होगा माँ, भले ही सारा जीवन मकरी बनकर बिताऊं। प्रणाम। निराश मत हो मकरी, मैं तुझे हनुमान से मिलाऊंगी। तुझसे ये काम नहीं होगा, वासना की शक्ति तुझे नहीं मालूम। जिसके दिल में राम हो उसे तू तो क्या, लाख वासना भी कुछ नहीं कर सकती। और मैं भक्त और भगवान के बीच नहीं आना चाहती। ये बात है तो मैं भक्त और भगवान दोनों से निपट लेती हूँ। मैं अंतिम बार कहती हूँ राम, तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी का नाश कर दूंगी। मैंने तुझसे प्रेम मांगा और तूने मेरी नाक काट ली, परंतु यार
करूंगी। लंकपति लंकेश की जय। शीष दशानन लंकपति लंकेश की जय हो। पंडित पूर्ण प्रवीण सदा, पंडित पूर्ण प्रवीण सदा, शिव भक्त की स्वर्णिम लंक अजय हो। दासगन दास अगन अनुदास पवन जल थल नर स्वामी विश्व जय हो। ज्ञान गुणी ज्ञान गुणी विज्ञान के ज्ञाता वीर बलि योद्धा निर्भय हो। जय हो जय हो जय हो। ऐसा अपूर्व नृत्य करने वाली सुंदरी तुम कौन हो? मैं वासना हूँ लंकापति। वासना यहाँ क्यों आई हो? लंकापति के दरबार के सिवा वासना जाए तो कहाँ जाए? लंकापति का दरबार आपका आश्रय स्थान नहीं है। चली जाए यहाँ से। मैं जाऊँ लंकापति? लंका की महारानी का आदेश लंकापति का आदेश है। मुझे आस न थी कि लंकापति के दरबार से वासना अपमानित होकर जाएगी। प्रणाम। एक अपमानित होके गई और दूसरी अपमानित होके आपके सामने खड़ी है लंकापति। किसने तुम्हारा अपमान किया है? कौन हो तुम? देख लो। सुपर्णखा, तुम्हारी ये दुर्दशा किसकी थी? मैं राम के द्वार से अपमानित होके आई हूँ। मैंने राम से प्रेम मांगा तो लक्ष्मण ने मेरी नाक काट ली। अगर तुम्हें अपनी नाक की कीमत हो तो बहन के अपमान का बदला लो और सीता का हरण करो। बदला? नहीं नहीं स्वामी नहीं। सुरपंखा, दोष तुम्हारा है। मैंने प्रेम मांगा, ये मेरा दोष है? एक पत्नीवधारी राम से प्रेम मांगते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? सुरपंखा, तुमने पाप किया है। चमकार हो। आप क्या कहते हैं लंकापति? निश्चित मैं अवश्य बदला लूंगा। नहीं भैया नहीं। हाँ भैया बदला ले लो। नहीं भैया नहीं, नहीं भैया नहीं, नहीं भैया बदला ले लो। भैया नहीं स्वामी, बदला ले लो भैया। नहीं भैया बदला बदला बदला। भोलेनाथ मेरी सहायता करो, मुझे मार्ग दिखाओ। भगवान से क्या पूछते हो? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? मैं पाप बोल रहा हूँ। क्या चाहते हो? सीता का हरण करो। नहीं नहीं, तुम कौन हो?
मैं पुण्य बोल रहा हूं, पर स्त्री का हरण महापाप है। तुम कौन हो? मैं अभिमान बोल रहा हूं, मेरी रक्षा करो लंकेश। नहीं, तुम कौन हो? मैं मान हूं, अभिमान तुम्हारा सर्वनाश करेगा। झूठ! तुम कौन हो? दुराचार! क्या चाहते हो? दुराचारी दुनिया का सुख भोगते हैं लंकेश। झूठ! तुम कौन हो? सदाचार! क्या चाहते हो? सदाचारी सदा सुखी रहते हैं। मेरी बात मानो, तुम कौन हो? मैं सर्वस्व हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा सुख काम। सुख नहीं, दुख। तुम कौन हो? मैं संयम हूँ लंकेश, विवेक से काम लो। मैं क्या करूँ? मेरी बात मानो, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, क्या चाहते हो? बुद्धि से काम लो लंकेश। सीता का हरण करो, नहीं। 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 क्यों? 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 मैं क्या करूं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। लंकेश, सीता को अपनी बना लो। ऐसा ही होगा वासना। सावधान लंकापति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपका और आपके कुल का सर्वनाश करें। कहीं चुप रहो विनिशन। लंकेश, राम की मर्यादा मैं कम करूंगी। तब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सीता का हरण करूंगा और अवश्य करूंगा। सीते, किस विचार में हो? स्वामी, देखिए ना, वो सुवर्ण रूप कितना सुंदर है। तो सुंदर आप इसे ले आइए, मैं उसके चरण से अपने कंचे की बनाऊंगी। होता है कंकर, दिखता है मोती, हर सुनहरी वस्तु सोना नहीं होती प्रिय। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। उदास मत हो सीते, मैं तुम्हारी मृत तृष्णा अवश्य पूरी करूंगा। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। जो आज्ञा भैया। माता, ये कोई माया है, श्री राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरी आज्ञा। मैं नहीं जाऊंगा। राम के शत्रु हो, उनकी मौत चाहते हो, तेरे मन में मेरे लिए पाप है। माता, आपकी आज्ञा है,
तो मैं जाता हूं। आप इस रेखा के अंदर ही रहिएगा, ये आपकी रक्षा करेगी। तुम साधु की भिक्षा लेना चाहती हो? हम बदली भिक्षा नहीं लेते। क्या तुम्हारे द्वार से भिक्षुक खाली हाथ जाएगा? अब तुझे लंकापति रावण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इंद्र, गुरुदेव, अब देवकार्य की सिद्धि का समय आ चुका है। भैया लक्ष्मण, तुम यहाँ कैसे? अभी अभी तो आपने मुझे पुकारा था। मैं नहीं तो आश्चर्य, वो तो राक्षसी माया थी, अवश्य जी का संकट में होगी। तो शीघ्र ही चलिए। ये पत्ते, पशु, पक्षी सब कहाँ है? सीते भैया, सीता माता अंदर भी नहीं है। अंदर नहीं है? नहीं भैया, तो तुम इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। चिंता मत करो इंद्र, वासना शरीर ही सारी सृष्टि में घूमती फिरेगी। सीता की पुकार, सीता को कौन ढूंढ रहा है? राम, राम, सीता। कहो राम लक्ष्मण भाई, कैसे हो? ठीक तो हो? हनुमान जी, आपने माता सीता को कहीं देखा है? हाँ भाई। ओ तुम्हारी पत्नी सीता, तो कोई उसे उठा के ले ही गया। लक्ष्मण, हनुमान जी, यदि आप जानते हैं तो शीघ्र बता दीजिए। भाई ढूंढ लो, यही कहीं होगी, मिल जाएगी। मैं तो अपने भगवान राम को ढूंढने चला। यही तो है भगवान श्री राम। राम भगवान? हंसो मत हनुमान। क्रोध मत करो भाई, इनका नाम राम है ये सच है। तुम्हारा नाम लक्ष्मण है वो भी सच है, इनकी पत्नी का नाम सीता है वो भी सच है, वो खो गई है वो भी सच है, लेकिन ये वो राम नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। उसके तो चार चार हाथ, हर हाथ में कुछ ना कुछ था, इसके तो दो ही हाथ हैं। मैं चला अपने राम भगवान को ढूंढने। हेरो हनुमान, तुम अभी जिन्हें मिले थे वही भगवान राम है।
वो राम भगवान नहीं है। तुम कौन? मैं पवन। पवन जिसके कारण मेरी मां कष्ट में है। भगवान? हाँ हनुमान, मैं वही हूँ। लोग मुझे राम कहते हैं, हर मेरे भक्त मुझे भगवान। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई भगवान? पहले क्यों नहीं बताई तुमने? हनुमान, हर काम समय पर होता, जीवन मरण सब समय के अधीन है, और इसी समय के अधीन मैं सीता को खोज रहा हूँ, मैं सीता को ढूंढ रहा हूँ। क्षमा करें प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप सीता माता को क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे भाई, तुझसे मिलने के लिए, तुझे तो सीता की खोज में निकला हुआ राम चाहिए ना। आपने मेरे लिए इतने कष्ट उठाए प्रभु, अब मैं मां बाप सबको भूल जाऊंगा, एक ही कार्य करूंगा, सीता मैया को ढूंढना, सीता मैया को ढूंढना। प्रभु आओ, हनुमान आओ, तू मेरा भक्त है, परम भक्त। तेरे माथे की धूल तो सिंदूर बन गई। सच? हाँ, हनुमान जी को राम मिल गए, अब मेरा मनोरथ पूरा होगा। सुग्रीव, हनुमान के कहने पर मैंने तुम्हारे भाई बाली का वध किया, आज से तुम किष्कंधा नगरी के राजा हो। राजा रामचंद्र की जय। हनुमान, तुम सुग्रीव सीता जी का पता लगाने का प्रबंध करो। कोई प्रबंध, कोई शक्ति, कोई युक्ति तुमको यहाँ से नहीं छुड़ा सकती। श्री राम की शक्ति को तू नहीं पहचानता, वे तुझे नष्ट कर देंगे। नष्ट कर देंगे त्रिलोक विजेता रावण को? हम तुम्हारे साथ बलात्कार करना नहीं चाहते। तुम सोच लो कौन बड़ा है, बन बन भटकने वाला भिखारी राम या लंकापति राम? सती के लिए अपना पति सब कुछ है। हम तुम्हें 2 मास का समय देते हैं, इसके पश्चात भी अगर तुमने अपना निश्चय नहीं बदला तो हम तुम्हें बरात अपनी पत्नी बना लेंगे। हे राम, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अगर आप मुझसे बिछड़ जाएं और मैं आपको बन बन ढूंढता फिरूं। नहीं। अगर आप मुझसे बिछड़ जाएं, नहीं, मैं बन बन ढूंढता फिरूं। नहीं, नहीं, नहीं। भगवान सब कुछ ठीक करेंगे सीता जी, धीरज रखिए। कहां तक, कब तक धीरज रखूं? ये अशोक वाटिका सुहानी, फूलों भरा बसंत, वृक्ष लता कब होगा
अवश्य ही तुम मेरी सीता का संदेशा लाए हो। बोलो बोलो, कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है मेरी सीता? कौन है रे तू? मैं राम का सेवक हनुमान हूँ और सीता मैया को ढूंढने निकला हूँ। तू राम का कार्य करने निकला है तो सुन, सीता को एक राक्षस दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। दक्षिण की ओर? दक्षिण दिशा की ओर सीता जी को ले जाने वाला राक्षस अवश्य लंकापति रावण ही हो, परंतु लंका जाने के लिए समुद्र को लांघना होगा। हनुमान जी, ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। लेकिन मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं। आप अपनी शक्ति को भूल गए? याद करिए, आपने बचपन में पाताल लोक जाकर राक्षसों को मारकर अपने पिता केसरी वानर को बचा लिया था। महाबली, ऋषियों के ताना देने पर आपने सूर्य का भक्षण किया था। आज श्री राम का कार्य पड़ा है हनुमान जी, अपने पराक्रम को याद करिए। जय सिया राम, जय सिया राम। कौन है ये लंका के प्रति जाने वाला? मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ, मैं तुझे खा जाऊंगी। ले, अब खा ले मुझे। ऐसा? सीते, तूने क्या निश्चय किया है? निश्चय ध्येय, श्री राम का स्मरण, श्री राम की पूजा। अब तुझे हमारी पूजा करनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। होगा और अवश्य होगा। कल समस्त लंका के सामने तुम हमारी पूजा करो। सब लोगों ने मेरी पूजा करनी है। सीते, अब तू भी मेरी पूजा करके तेरा जीवन मेरे चरणों में समर्पण कर दे। मैंने जीवन समर्पण किया है भगवान श्री राम की चरणों में। तब तुम मेरी पूजा नहीं करोगी? नहीं नहीं नहीं। इसका परिणाम जानती हो? मौत की माला होगी। उठाओ माला, चलो चलो।
देखिए मेरी राम की शक्ति। अगर तेरे राम में इतनी शक्ति है तो वो तुझे बचाने के लिए नहीं आता। वो आएंगे, अवश्य आएंगे। वो नहीं आ सकता। आएंगे, आएंगे। एक बंधन ने मेरी ये हालत बनाई है। बंधन? कौन है वो बंधन? महाराज की सेवा में मैं प्रत्यक्ष हूँ। महाराज की जय हो। गुस्सा मत करो, आदमी तो बड़े अच्छे हो, पर तुम भी फटिया। मुझे खबर के छोटा हो गया। एक बच्चा समझ के छोड़ देता हूँ। जा! अरे जा रहे बच्चे वाले। हनुमान ही हो तो मैं लंका पति राम जी को वापस लौटा दीजिए। सीता, सीते, इस राम का नाम तुम जप रही हो। हमने उसे मार डाला है। ये झूठ है पापी। तू तो क्या, मेरे राम को विश्व की कोई भी शक्ति नहीं मार सकती। ये बात है, तुझे इतना विश्वास है अपने राम पर तो देख अपने राम का कटा हुआ मस्तक। रोती रहो जीवन भर, जब तक तुम हमारी पत्नी नहीं बनोगी न तुम्हें कोई देख सकेगा और न तुम किसी को देख सकोगे। राम राम श्री राम। राक्षस के महल में राम नाम जपने वाले आप कौन हैं? मैं राम भक्त विभीषण हूँ। मैं राम भक्त हनुमान हूँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विभीषण जी, मुझे सीता माता का पता बता दीजिए। हाँ हाँ, आइए आइए मेरे साथ। चलिए। हनुमान जी, ये अशोक वाटिका है। अच्छा मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। सीता माता कहाँ है? सीता माता को रावण ने अदृश्य कर दिया है। अब वो आपको कभी नहीं मिल सकती। हे राम, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कहां जाऊं? किस मुंह से आपके पास आऊं? कुछ समझ में नहीं आता। राम 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 मेरे
तेरा ही नाम है मेरे राम, मेरे राम। तुम हो स्वामी अंतर्यामी, तुम हो स्वामी अंतर्यामी, मैं हूँ दास तिहारा तिहारा, मैं हूँ दास तिहारा। तेरी लगन में तेरी ही धुन में, तेरी लगन में तेरी ही धुन में बीते जीवन सारा ओ सारा, बीते जीवन सारा। जैसे फूलों में रंग, जैसे जल में तरंग, मेरी आत्मा में तू ही आठों आम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे रोम रोम में समाया राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, ओ मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे राम, मेरे राम। ठाकर मैं तेरा चाकर, तू है ठाकर मैं तेरा चाकर, जागूं तेरे द्वारे ओ निस दिन, जागूं तेरे द्वारे। हर संकट में विघ्न विकट में, हर संकट में विघ्न विकट में आऊं काम तिहारे ओ स्वामी, आऊं काम तिहारे। जैसे नैन में तिल, जैसे नैन में तिल, तारों में है झिलमिल, मेरे हृदय ही में तेरा धाम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे रोम रोम में समाया राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, ओ मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, मेरे राम, मेरे राम। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे रोम रोम में समाया राम है, मेरी सांसों में तेरा ही नाम है, ओ मेरी सांसों में तेरा ही नाम है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव नाम। माता कौन है रे तू? पहले भी तू मुझे एक बार मिला था। हाँ माता, मैं वही हनुमान हूँ, श्री राम जी का सेवक। मैं उनकी आज्ञा से आपका पता लगाने आया हूँ, और ये मैं उनकी मुंद्री निशानी के रूप में लाया हूँ। तू झूठा है, रावण का दूत है और मुझे भ्रम में डालने के लिए यहाँ आया है। मेरे राम अब इस धरती पर नहीं है। ये आप क्या कह रही है माता, श्री राम जी जीवित हैं? नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से उनका कटा हुआ सर देखा है। तू जा यहां से। मैं सच कह रहा हूं माता। चला जा यहां से। माता चला जा। हे राम, अब मैं कौन सा मुंह लेके आपके पास हूं, क्या करूं, कहां जाऊं? हे राम, धरती में मुझे अपने गोद में संभाल, मैं
मैं राम के बगैर जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। हे प्रभु, सीता माता के प्राणों की रक्षा कर, रक्षा कर। नहीं नहीं, मुझे नहीं जीना, नहीं जीना। मेरे राम, मैं अब आपके पास आ रही हूँ। मैं अब नहीं जी सकती। मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। राम के नाम से लगा हुआ तिलक अब तू ही बता दे, श्री राम जीवित है। सीते, प्रणाम आर्य पुत्र, इस पाप की नगरी से मेरा उद्धार कीजिए। ये स्वर्ण मर्ग के मोह का फल है, तथापि मैं शीघ्र तुम्हारी मुक्ति के लिए आऊंगा। भगवान तो सच्चा है, ला मुझे मेरे राम की मुंजी दे दे। माँ, बहुत भूख लगी है, आ गया हो तो कुछ फल फूल खा लूं मैं। खा लो, सारा बन तुम्हारा है। देख लेंगे हम। चलो सरदार को बुला लें। चलो महाराज की जय हो। उस बंदर ने अशोक वाटिका में बड़ा उपद्रव मचा रखा है। अक्षय कुमार, देखो क्या बात है। जो आज्ञा पिताजी। आज्ञा पिताजी। इस बंदर के बच्चे को मेरे सामने उपस्थित करो। लेकिन ग्रह अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। अक्षय कुमार की मृत्यु यही बताती है भैया। काल चुप नहीं रहता महाराज। चेतावनी है महाराज। चेतावनी? लंकापति को चेतावनी? इस चेतावनी को मैं बांध के लाया हूं पिताजी। बंदर,
अपने कायरता पे हंस रहे हो? मैं आपकी मूर्खता पे हंसता हूँ। मुझे मेरी इच्छा के बिना कोई नहीं बांध सकता। जय श्री राम। जय श्री राम। आदमी तो बड़े अच्छे हो, आज भी बहुत अच्छा, लेकिन ये राजा कैसा? चुप क्यों हो बंदर? पकड़ लो इस बंदर के बच्चे को। पकड़ने की बात छोड़ो, राजदूत को आसन दो, आसन। कोई भी आसन नहीं देते तो मैं खुद ही ले लेता हूं। अब बोलो लंका पति, जीना है या मरना है? ये बात है तो देख लो। लंकापति, मैं राम का दूत बन के आया, शांति का संदेशा लाया हूँ, सीता मैया को बाहर कर दो। असंभव, तो युद्ध होगा। ऐ मंदर, राम के दरबार में युद्ध की बात करता है, रावण युद्ध से नहीं डरता। तो लंका का झोल नाश हो जाएगा। लंका के सब नाश का सपना देखने वाले इस बंदर से प्राण ले लो। महाराज, दूत अवश्य होता है, इसकी पूछ में आग लगा दी जाए। ठीक है, ऐसा ही हो। आओ आओ लगाओ आग। Ha ha ha!
श्राप भंग हो गया सखी, अब मैं कभी मकरी नहीं बनूंगी। फिर तो तू वापस स्वर्ग चली जाएगी। नहीं, मेरा स्वर्ग तब यही है, जहाँ हनुमान जी वहाँ मैं। माता, मेरा कार्य समाप्त, अब मुझे आ गया कल्याण। रावण, मैं और सब ग्रह अब मुक्त हो चुके हैं, अब देखना हमारी शक्ति। अब क्या होगा स्वामी? कुछ नहीं होगा। सुशांग, हमारी जन्म कुंडली लाओ। सागर देव, हमें लंका जाने के लिए मार्ग दीजिए। सागर देव। आज्ञा महाराज। राम को मार्ग मत दो। दो आज्ञा। गुरुजी, मैं रावण का सेवक, मैं आपको मार्ग नहीं दे सकता। आप सामर्थ्यवान हैं, सागर पार करने के लिए आप सेतु बंधन की। सेतु बंधन? आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बंधन हैं। उनके स्पर्श से पत्थर पानी में डूबने के साथ तैरने लगेंगे और सेतु तैयार हो जाएगा। परंतु उससे पहले आपको एक और कार्य करना हो। वो क्या? आपको इसी स्थान पर भगवान शंकर की प्रतिष्ठा करनी हो। लंकापति रावण के सिवा इस कार्य को और कोई नहीं कर सकता। रावण? रावण हमारी शंकर प्रतिष्ठा करने क्यों आने लगा? राम, तेरे शंकर भगवान की पूजा अवश्य होगी। स्वामी, आप तो साक्षात मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। इससे अच्छा तो ये है कि आप सीता जी को वापस लौटा दीजिए। नहीं, मैं राजा हूँ और युद्ध करना राजा का धर्म है। मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए ये पूजा कराना मेरा कर्तव्य है। मैं ब्राह्मण का धर्म भी निभाऊंगा और राजा का धर्म भी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम, शंकर भगवान की प्रतिष्ठा हो गई। आशीर्वाद। कल्याण विजयी हुआ। राम, मैंने ब्राह्मण का धर्म पूरा किया। अगर रावण का क्षत्रिय धर्म देखना है तो युद्ध के मैदान में मिला। लक्ष्मण, बोलो सिया बलराम चंद्र की। भाई नल और नील, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य आरंभ कीजिए। जो आगे। सियावर रामचंद्र की। मेरी सलाह तो ये है कि सीता को लौटाकर श्री राम से सुलह कर लो। राजद्रोही, कायर, निकल जा राम से, जा अपने राम से घर में जा। परंतु महाराज, महाराज जाओ। महाराजा विभीषण, आज से आप लंका के अधिपति हैं। घमंडी रावण ने हमारा शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया, अब युद्ध अवश्य होगा। मैं लंका का ध्वज हूं, तूने मेरा अपमान किया।
किया है रावण? एक कपड़े के टुकड़े का मान और अपमान क्या? ये कपड़े का टुकड़ा नहीं, राष्ट्र के कलेजे का टुकड़ा है, जिसकी रक्षा के लिए लाखों आदमी अपने प्राणों की आहुतियां देते, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए रक्त की नदियां बहती। तेरा अपमान तेरा पतन है रावण। रावण का पतन। ओम नमः शिवाय। महाराज की जय हो। इंद्रजीत, युद्ध के क्या समाचार है? हमने लक्ष्मण पे शक्ति का प्रहार कर दिया है और सूर्योदय के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लक्ष्मण, प्रभु प्रभु, सुषेण वैद्य उपस्थित है। वैद्यराज जी, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, उसे औषध देकर प्राणदान दीजिए। आइए शीघ्र कीजिए। लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए मेरे पास कोई औषध नहीं। क्या कहा? ठहरिए ठहरिए, डराते क्यों? लक्ष्मण जी के प्राण केवल संजीवनी बचा सकती। संजीवनी कहाँ मिलेगी? द्रोणागिरी पर्वत पर। लेकिन संजीवनी को मैं पहचानूंगा कैसे? हनुमान जी, जो चमकती हो वही संजीवनी होगी। परंतु प्रभात होने से पहले संजीवनी आनी ही चाहिए, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ हनुमान, जाओ। यहाँ एक बंदर संजीवनी बूटी लेने आएगा, उसे ले जाने नहीं देना। जो आज्ञा। अरे भैया, द्रोणगिरी पर्वत कहाँ पर है? रणगिरी। क्या होगा सुग्रीव? हनुमान जी अभी तक नहीं आए। मत कीजिए प्रभु, हनुमान अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। लक्ष्मण, यहां तो सब बूटियां चमकती हैं, इसमें संजीवनी कौन सी है कुछ पता नहीं चल। मैं क्या करूं राम, कहां जाऊं? प्रभु, प्रभात होने में 3 पहर बाकी। पहाड़ उठा ले हनुमान, नारा पहाड़ उठा ले। जय सिया राम। मैं दानो हनुमान संजीवनी लेकर जा रहा है, उसे नष्ट कर दो। हाँ।
तो प्रभात होने वाला है। लक्ष्मण के प्राण संकट में है। लक्ष्मण के प्राण संकट में है। हनुमान, हनुमान तुम शीघ्र पहुंचो। हनुमान, प्रभु मैं द्रोंगिणी पर्वत उठाकर लाया। सुषेण वैद्य जी, आप संजीवनी बूटी ढूंढकर लक्ष्मण जी का उपचार कीजिए। चलिए शीघ्र कीजिए। आइए आइए आइए, शीघ्र कीजिए, आइए। ये रही संजीवनी, ये लो, चलो। क्या करता हूँ कि आज संध्या होने से पहले ही मैं रावण के पुत्र इंद्रजीत का मस्तक काट डालूंगा। मंदोदरी, एक वीर की पत्नी होकर तुम्हारी आंखों में आंसू। मैं माँ भी हूँ। अच्छे कुमार मरा, इंद्रजीत मरा, सारे कुल का सत्यानाश हो गया। आखिर आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ राम और लक्ष्मण की मां। अरे रामा, जाओ राम और लक्ष्मण को उड़ा के पाताल में ले जाओ और उनको देवी की भेंट चढ़ा दो। ये काम कठिन नहीं, परंतु मुझे हनुमान का डर है। इसका भी उपाय है, तुम भेष बदलने में कुशल हो, विभीषण का भेष धारण करो और जाओ। यह युक्ति सफल हो, परंतु हमें कैसे पता चलेगा? यदि मुझे सफलता मिली तो रात को सूर्य उदय हो। बहुत अच्छे, भाई विभीषण जी, आप तो श्री राम जी के दर्शन कर चुके हैं, फिर यहाँ क्यों आए? भाई हनुमान, युद्ध का काम इतना है कि कुछ याद नहीं रहता। जब यहाँ आ गया हूँ तो फिर से श्री राम के दर्शन कर लूँ। शीघ्र लौटिएगा। बस यूं गया और यूं आया। जाइए। हनुमान जी, मैं दोबारा भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आया। हनुमान जी नहीं आया। तुम झूठ बोलते हो। नहीं नहीं, अवश्य मेरा भाई अहि रावण ही होगा। अहि रावण? हाँ, वो मेरा रूप धरने में कुशल है। हनुमान जी, आप शीघ्र ही श्री राम और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए पाताल जाइए। जाइए जाइए हनुमान जी, जाइए। अवश्य जाऊंगा। अंदर जाना मना है। कौन पुत्र हनुमान?
तुम्हारे तुम कौन हो? हनुमान प्रणाम पिताजी, मैं आपका पुत्र मगर भर हूं, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? प्रणाम स्वामी। तुम? हाँ स्वामी, मगरध्वज आप ही का पुत्र है। ये कैसे हो सकता है? लंका दहन के समय आपका पसीना गिरा, वो मैंने पी लिया, इसी का फल मगरध्वज है। आगे से मैं कहता हूँ आप नहीं जा सकते। मैं अपने स्वामी का कार्य करने आया हूँ। मैं भी अपने स्वामी का कार्य कर रहा हूँ और मुझे हराए बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। ये बात है तो ये ले। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, देखते क्या हो, अपने इस देव को याद करो। हम तो उसे याद करेंगे जो सदा हमें याद करता है, क्यों लक्ष्मण? हाँ भैया। कौन? जय हनुमान। जय हनुमान। मकरध्वज, आज से तुम पाताल नगरी के राजा हो।
अब आप मुझ पर भी कृपा कीजिए। मकड़ी तू तो स्वर्ग की अप्सरा है, जा वहीं चले जा। मेरा स्वर्ग तो इनके चरणों में है, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मैं हमेशा इनके साथ रहूं। तू सदा हनुमान के गले का हार बनकर रहे। हनुमान के साथ राम और लक्ष्मण अवश्य ही मारा गया होगा, मैं इसका बदला लूंगा। ओम अग्नि स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा। हनुमान जी, लंका से मेरे गुप्तचर बहुत बुरे समाचार लाए हैं, रावण महाकाल यज्ञ कर रहा है। अगर ये यज्ञ संपन्न हो गया तो फिर उसे कोई नहीं मार सकता। यज्ञ संपन्न नहीं होगा महाराज, महाकाल यज्ञ की समाप्ति के लिए नौ कुंवारी कन्याओं को उपस्थित किया जाए। सैनिक क्या किया? बंदर के बच्चे, तूने मेरा यज्ञ भंग किया है, मैं तेरा सर। बंदर के बच्चे सामने आ, सामने आ। रावण के पेट में अमृत कुंड, जब तक उसे सुखाया नहीं जाता वो दुष्ट नहीं मर सकता। प्रणाम माता। रावण मारा गया, श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए। क्षमा प्रभु, सीता मैया के निर्दोष होने पर भी आप इनकी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं प्रभु? कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है लक्ष्मण, सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। नहीं, मैंने सपने में भी किसी पर पुरुष का ध्यान किया हो तो ये अग्निदेव मुझे चला के भस्म कर दो, भस्म कर दो। लक्ष्मण, देवी सीता आप निष्कलंक हैं, मैं अग्नि आपके स्पर्श से पवित्र हो गया। चमत्कार, मैं कहता था ना, सीता माता बिल्कुल निर्दोष है। देखिए, अग्नि भी उनको नहीं जला सकी। भैया देख लिया आपने? बोलो सीता माता की जय। बोलो सीता माता की जय। सीता माता की जय। बोलो सीता माता की जय।
कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है, कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है। नहीं, मेरी मां ने भी ऐसा कर्म किया होगा, किया होगा, किया होगा। नहीं मां, 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 मत रुको, इन दोनों को पत्थर मार कर खत्म कर दो। मारो। ये क्या चमत्कार है महाराज? हमें तो लगता है हनुमान और उसकी माँ अवश्य निर्दोष हैं। निर्दोष? ये पापी है, इसलिए इसको राम नहीं मिला। तो राजा, मुझे राम मिले। राम यहाँ क्यों नहीं आया? बता, बोल, राम यहाँ क्यों नहीं आया? बोल, राम क्यों नहीं आया? तुझे 7 दिन में भी राम यहाँ नहीं मिल सकता। चला जा यहाँ से। इसे नहीं रहने दो, साथ में तुम्हारी और मेरी शादी अपनी आंखों से देखो। इसके बाद अपने हाथों से इस पापी के टुकड़े कर दूंगा। कुछ मत करो बेटा, तुम्हारे पिता की खुशी मेरी खुशी है, ये शादी होने दो। पंडित जी, शादी की तैयारी करो। पंडित जी, शास्त्र की नाम करो। केसरी, अंजनी निर्दोष है, सती का सती मुझे यहाँ खींच लाया है। मेरे प्रभु, मेरे राम, जानता था, परंतु ये तुम्हारी भूल थी कि तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे क्षमा कीजिए सर, क्षमा कीजिए। बोलो सिया, बोल रामचंद्र की। हे जीरे, गंगा जी ये पावन है, मंगलकारी अरे मधुर मनोहर,
रंजन की मन भावन है। Yeah.